नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल इंस्पेक्टर किशन के में। बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि टायर टू की प्रैक्टिस करनी है, पैराग्राफ है, समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए, मैं सच बता रहा हूँ, समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। वहाँ तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा। अगर आपके पास वर्ड्स के कलेक्शन नहीं है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स आपके पास नहीं रहेंगे, तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर कोई कठिन पैराग्राफ आ जाता है तो, और उसके लिए आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। तो आज से हम ये प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेशन में मैं आपको सिर्फ ये चीज़ें बताऊंगा जो मैंने पीडीएफ से अभी मैं पढ़ाऊंगा। ये पीडीएफ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में दे रखा है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके जुड़ सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। उसी से आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसे बहुत से पीडीएफ आगे भी मिलेंगे। आगे क्या कह रहा हूँ मैं कि इस पीडीएफ को करना कैसे है, मैं आपको बताऊँगा कि इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कैसे कर रहे हैं और हिंदी से इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है। आप जाएंगे इस वीडियो के देखने के बाद, पैराग्राफ जो दे रखा है मैंने पीडीएफ, उसमें से पैराग्राफ को निकालेंगे। जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको हिंदी में लिखेंगे, और जो हिंदी में लिखा हुआ है उसी चीज़ को इंग्लिश में लिखेंगे, अपने भाषा में लिखेंगे। स्पेशली जो इसमें स्पेशल वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे इसमें रेस्टलेसनेस, कल्टीमेटिंग, जेनविन, एफर्ट्स, एनालाइज, सॉल्व, ये सारे वर्ड्स को आपको लिखना है कहीं कागज़ पे, ताकि आप इसको रिवाइज कर सकें। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये इसी पैराग्राफ में आए, ये किसी और पैराग्राफ में भी आ सकता है, तो आपको वहाँ पर आसानी होगी करने में। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा कहीं ना कहीं किसी भी नौकरी में, तब तक आपके साथ रहने वाला है। तो बिल्कुल फॉलो करते रहिए, प्यार देते रहिए, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से। ठीक है, तो चलिए, टायर टू के लिए है ट्रांसलेशन प्रैक्टिस फॉर IBS से MTS, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश हिंदी। क्योंकि ये सिर्फ मुझे हिंदी भाषा ही आती है, इसीलिए मैं आपको ये सिर्फ करा सकता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ क्या कह रहा है कि रेस्टलेसनेस अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज कल्टीवेटिंग इनडिसिप्लिन हैज स्टेम्ड फ्रॉम देयर डीप रूटेड फीलिंग्स दैट देयर व्यूज एंड एस्पिरेशंस आर इग्नोर्ड बाय देयर एल्डर पॉलिटिशियंस एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, टीचर्स एंड एजुकेशनिस्ट्स। अब देखिए, ये लाइन पढ़ने के बाद आपको समझ में कुछ नहीं आया होगा, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू ये मिल गया होगा कि ये आजकल का यूथ है, उनका जो व्यू क्लैश होता है सबके साथ, अपने बड़ों के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ, टीचर्स के साथ, उसके बारे में ही कुछ कह रहा है। लेकिन आपके पास कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, तभी आपको इसको अच्छे से ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे आपको रेस्टलेसनेस का मीनिंग पता होना चाहिए, आपको इनडिसिप्लिन का मीनिंग पता होना चाहिए, आपको कल्टीवेटिंग का मीनिंग पता होना चाहिए, आपको स्टेम्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, आपको डीप रूटेड का मीनिंग पता होना चाहिए, इग्नोर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है, विद्यालयों व विश्वविद्यालयों के छात्रों के असंतोष। अब असंतोष मतलब क्या हो गया, रेस्टलेसनेस से उत्पन्न, उत्पन्न मतलब क्या हो गया, स्टेम्ड, अनुशासनहीनता का कारण, इनडिसिप्लिन का जो रीज़न है, वह उनकी यह दृढ़ भावना है कि, दृढ़ भावना क्या हो गया, डीप रूटेड, कि उनके वयोवृद्ध एल्डर्स, राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियंस और प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर्स, अध्यापक, टीचर्स और शिक्षाविदी मतलब एडुकेशनिस्ट, उनके विचारों मतलब देयर व्यूज और आकांक्षाओं, एस्पिरेशंस, व्यूज एंड एस्पिरेशंस, देखा कैसे मिल रहा है, कि उपेक्षा करते हैं। उपेक्षा मतलब क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं उसको। ठीक है, तो कैसे मिला ये समझ में आया, ये सारे वर्ड्स अगर आपको पता होते तो आप इजीली इसके लाइन को, आंसर को आराम से कर सकते थे। तो इनको आपको नोट करना है। ठीक है, द सिचुएशन हैज़ बीन एग्रेवेटेड बाई ए सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी अमंग देम। अब सिचुएशन का मतलब पता होना चाहिए, एग्रेवेटेड का मतलब पता होना चाहिए, सेंस का मतलब पता होना चाहिए, और इनसिक्योरिटी का मतलब पता होना चाहिए। तो क्या होता है, क्या इसका हुआ, उनकी असुरक्षा, जो इनसिक्योरिटी है, असुरक्षा की भावना, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना ने स्थिति, सिचुएशन ने स्थिति को और भी ज़्यादा गंभीर बना दिया है, मतलब कि एग्रेवेट कर दिया है चीज़ों को, और भी ज़्यादा गंभीर बना दिया, समझ में आया। द सिचुएशन हैज़ बीन एग्रेवेटेड बाई ए सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी अमंग देम, उनकी असुरक्षा की भावना इस समस्या को और भी ज़्यादा, इस स्थिति को और भी ज़्यादा एग्रेवेट कर दिया गया है, गंभीर कर दिया है। ठीक है, इट इज़ हाई टाइम दैट सिंसियर एफर्ट्स बी मेड एंड कंक्रीट स्टेप्स टेकन टू एनालाइज एंड सॉल्व देयर जेन्युइन प्रॉब्लम्स। अब इसमें से देखिए, हाई टाइम का मतलब क्या हो गया, सिंसियर एफर्ट्स का मतलब क्या हो गया, कंक्रीट स्टेप्स का मतलब क्या हो गया, एनालाइज का मतलब क्या हुआ, सॉल्व का मतलब क्या हुआ, जेन्युइन प्रॉब्लम का मतलब क्या हुआ। आपको इन सारे के मतलब याद रखेंगे, पता रहेगा, तभी आप इस चीज़ को अच्छे से लिख सकते हैं। तो क्या लिख रहा है, अब सही समय आ गया है, इट इज़ हाई टाइम, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ अब सही समय आ गया है, अब सही समय आ गया है कि उनकी वास्तविक समस्याओं, जो उनका जेन्युइन प्रॉब्लम्स है, वास्तविक समस्याओं का विश्लेषण मतलब एनालाइज, विश्लेषण मतलब क्या हुआ, एनालाइज, वह निराकरण, सॉल्व मतलब निराकरण, ठीक है, करने के लिए सच्चे, सच्चे मतलब सिंसियर प्रयत्न, सच्चे एफर्ट्स, सच्चे प्रयत्न, सिंसियर एफर्ट्स किए जाएं और ठोस कदम उठाया जाए, मतलब कंक्रीट स्टेप्स टेकन, ठोस कदम लिए जाएं, कदम उठाए जाएं। समझ में आया होगा आपको, इस पैराग्राफ को मैंने टफ इसलिए बनाया पहला वाला, क्योंकि इसके आगे आसान मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सच्चाई यही है। आसान से तो आपको प्रैक्टिस होगी लिखने की, लेकिन सच्चाई यही है, ऐसे ही पैराग्राफ्स आएंगे और आपको उनके वर्ड्स के, हिंदी वर्ड्स के इंग्लिश वर्ड्स पता नहीं होंगे और इंग्लिश वर्ड्स के हिंदी वर्ड्स पता नहीं होंगे। तो इसलिए हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो जो वर्ड्स इसमें टफ लगा है उसको आप कॉपी पर लिखिए और याद करिएगा, क्योंकि ये आपके अगले पैराग्राफ में भी काम आएंगे। ठीक है,
मिलेंगे अब अगले पैराग्राफ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।